Namaskar, welcome back to yet another video of Bansuri tutorials. आज के वीडियो में मैं दो महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. एक है वॉल्यूम कंट्रोल और दूसरा है कोमल स्वरों में क्लैरिटी. तो सबसे पहले वॉल्यूम कंट्रोल के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो पिच कंट्रोल और ब्लोइंग की इंटेंसिटी. अब हम सब जानते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से फूंक जब फूंकते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, बट ये इसके पिछले वीडियो से कनेक्टेड है जहाँ पे मैंने सा के ट्यूनिंग के बारे में बताया था. और उसमें सा को ट्यून मतलब पिच कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ से जो ब्लोइंग होल में है फ्लूट को हल्का सा अंदर बाहर करके फ्लैट या शार्प कर सकते हैं उसको. फ्लैट हो तो शार्प करने के लिए उसको बाहर की तरफ, और शार्प हो तो फ्लैट करने के लिए उसको अंदर की तरफ करके उसको हम सा पे ले आ सकते हैं, शुद्ध सा पे. यही फॉर्मूला अगर हम सुर के ऊपर नीचे होने के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम ज़ोर से जब फूंक लगाते हैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तो उस वक्त अगर आपने पोजीशन वही रखा तो वॉल्यूम के साथ साथ सुर भी ऊपर होता है, और उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें फ्लूट को अंदर की तरफ ट्विस्ट करना पड़ेगा हल्का सा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. ये मेरा सा है, अब इसमें मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा. आपने गौर किया होगा कि सुर भी हल्का सा चढ़ के फिर वापस आया सुर के ऊपर. तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो अगर सुर चढ़ रहा है तो उसे हमें कॉम्पनसेट करने के लिए फ्लूट को हल्का सा अंदर की तरफ माने फ्लैट करके उस सा को मेंटेन रखना है. मैं बताता हूँ कैसे. अब ब्लोइंग की इंटेंसिटी से देखिए, ये और एक प्रॉब्लम हुआ है, मैंने जानबूझ के किया था ये, कि ऊपर का तार सब तक भी बजने लगता है, ऊपर का सा भी बजने लगता है. तो उसे कंट्रोल उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसे हम साउंड को कंट्रोल करते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि एपर्चर, होठों का जो एपर्चर होता है उसको एकदम छोटा रखना पड़ेगा, और ये कंट्रोल और प्रैक्टिस से ये बात डेवलप होती है. तो वापस मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा. अब इसी चीज़ को वॉल्यूम कम करने के लिए भी यही प्रोसेस है, और वो इसका ऑपोजिट प्रोसेस होगा. इसका मतलब है कि मैं वॉल्यूम अगर कम करूँगा तो मेरी फूंक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फूंक का ज़ोर कम होगा, और उसका ज़ोर कम होते ही सुर भी उतरने लगेगा. अब उस चीज़ को वापस कॉम्पनसेट करने के लिए सुर को हमें यहाँ से चढ़ाना पड़ेगा बाहर की तरफ फ्लूट को करके. सा उतर गया तो अभी इसको अगर ज़रा सा भी कहीं पर भी आपको मेरे बताने पे कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ज़रा रिवाइंड करके वापस देखिएगा मैं क्यों और क्या कह रहा हूँ. और अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में जहाँ पे मैं कोमल सुर माने सबसे डिफ़िकल्ट कोमल ऋषभ और कोमल धैवत की तरफ मैं ध्यान दूंगा, और इन दोनों सुरों में ख़ास करके वॉल्यूम का उत्पादन बहुत कठिन होता है, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम इसके पहले बताए हुए टेक्निक को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे. देखिए कैसे होता है. अब मेरा कोमल धैवत का वॉल्यूम काफ़ी कम है इस बार जब मैंने बजाया था, तो इसे मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो टेक्निक बताया था, ज़ोर से इंटेंसिटी भरूंगा और उसी वक्त मैं फ्लूट को हल्का सा अंदर की तरफ ट्विस्ट करूंगा. अब देखिए, इसी प्रकार से कोमल ऋषभ भी वही होगा. अब
अब देखिए कोमल रे का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, तो हर बार कोमल रे या कोमल ध बजाते वक्त मैं क्या करता हूँ, फूंक के जोर को बढ़ा लेता हूँ ताकि उसका वॉल्यूम बना रहे उसके पहले के सुर के साथ। सा अगर जोर से है तो कोमल रे भी उसी वॉल्यूम में बजना चाहिए, नहीं तो उसकी फ्लूइडिटी निकल जाती है, उसका भाव जो साउंड का जो एक सा भाव जो होता है वो बिखरने लगता है। उसको कायम रखने के लिए मैं फूंक की इंटेंसिटी बढ़ा लेता हूँ तो फिर मेरे कोमल ऋषभ में वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सुर भी कोमल ऋषभ चढ़ा लगने लगेगा। उस चक्कर में उसको मुझे कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं यहाँ से उसको फ्लैट कर लेता हूँ हल्का सा, और तो इस प्रकार से हम कॉम्पेंसेट उस चीज़ को कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में ये भी आया है कि मैं मेरे वीडियोस में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ और कुछ ज़्यादा बजाता नहीं हूँ, लोग सुनना भी चाहते हैं। मैं आज बेशक भैरव का एक छोटा सा आलाप बजाऊंगा और आप गौर कीजिएगा मेरे फ्लूट की पोजीशन को अंदर बाहर कैसे होता है हर बार जब मैं वो कोमल सुर बजाता हूँ तो। और इसके अलावा और आपको अगर सुनने का मन करे तो बेशक प्लीज़ आप मेरे और भी फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंसेस की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। मैंने बड़े मुश्किल से केदार राग पे थोड़ा काम किया है जो बांसुरी में वैसे अप्रचलित है, बांसुरी के लिए तो अप्रचलित है, बहुत कम लोगों की राग केदार का वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा है और वैसे भी बजाते हुए बहुत कम सुना है, तो मुझे लगा कि ये बांसुरी के लिए रेयर राग है जबकि केदार बहुत बड़ा राग है और काफ़ी गायकों ने और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के वादकों ने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मैंने मेरी कोशिश करी है, केदार के भी वीडियोस हैं और मारवा वो भी एक काफ़ी रेयर बजने वाला राग है, ख़ास करके गायकी अंग के लिए जो मैं टेक्निक बजाता हूँ इसमें इतना प्रचलित नहीं है तो। और जिन्होंने गुरुजनों ने बड़ों ने बजाया है वो तो है ही, लेकिन आम तौर पे ये दोनों राग कुछ कम सुनने में आते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपके लिए भैरव का आलाप करूंगा और उसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म भी करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को भी सराहा है और यही इच्छा मेरी रहेगी और यही मेरी आग्रह है आप लोगों से कि आप और भी मेरे इन वीडियोस को प्रोत्साहन दें। और एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं शास्त्रीय संगीत में एक बड़ा अप्रचलित और बहुत रेयर टेक्निक का प्रयोग करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे इस टेक्निक को लाइव और पब्लिक के सामने सुनाने का मौका मिलेगा और होपफुली ज़्यादा और जल्दी। थैंक यू वेरी मच।
यहाँ तक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जाते जाते एक आखिरी बात कहूँगा जो म्यूज़िक से इतना संबंधित नहीं है लेकिन कला से संबंधित है। आप मेरे पीछे ये कलाकृति देख रहे हैं, एक पेंटिंग है एक्रिलिक ऑन कैनवस, ये मेरी पत्नी ने बनाया है और ये मैं इस वीडियो के दौरान इसका भी ज़रा प्रचार करना चाहता था। और प्लीज़ आप इनका भी प्रोत्साहन कीजिएगा, उनका फेसबुक पेज है, मेरा भी फेसबुक पेज है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद हो, और आपने अगर पहले से सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही लाइक करने के लिए कहूँगा, पर कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने खास करके अगर आपको नहीं अच्छी लगी वीडियो और किसी ने अगर डिसलाइक भी किए हैं, मैंने कुछ लोगों को डिसलाइक करते हुए देखा है, काफ़ी मतलब कम मात्रा में है लेकिन हैं ज़रूर, और अगर आपने डिसलाइक किया हो तो प्लीज़ उसका कारण भी लिखिए ताकि मैं अपने आप को सुधार पाऊँ और अगले वीडियो में आपको अच्छा लगे ऐसा वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।